वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सोर्स से लोड की तरफ जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अगर उस पूरे सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए या थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हमारी मैक्सिमम पावर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो हमने कंडीशन प्रूव की थी कि RL इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट RTH। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है या ये कंडीशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमको हमारे लोड पर क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी थ्रू द सोर्स। तो हम देखते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं टू अप्लाई दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पर आपके पास मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको गिवन है जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है, और आपको लोड RL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको पता है कि RL के अंदर तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी जब इसकी वैल्यू इस पूरे सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होता है, इक्वल हो जाए। तो पहले हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, और फिर इस वोल्टेज के अक्रॉस या फिर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा, ताकि हम इसमें क्या लगा सकें, थेवेनिन थ्योरम का जो पार्ट है VTH फाइंड आउट कर सके इस टर्मिनल के अक्रॉस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। तो अब हम एक एक करके इसके स्टेप्स को देखते जाते हैं और उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने कि आपको थेवेनिन थ्योरम के टाइम पे बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हमको सबसे पहले क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अगर आपने मेरी थेवेनिन थ्योरम की वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है हमारा RL, इसको रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही आप इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे यहाँ पर हमको एक ओपन टर्मिनल मिल जाएगा और इसकी पॉइंट को हम मान लेते हैं A। तो स्टेप वन क्या हुआ, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL। तो आपने इस लोड रेजिस्टेंस RL को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आपको स्टेप टू या थ्री में RTH या फिर आपको VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, इट मींस थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन वोल्टेज। तो सबसे पहले हम इसमें थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपने यहां से लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया ये टर्मिनल कैसा हो गया, ओपन टर्मिनल हो गया, और जैसे ही ये टर्मिनल ओपन हुआ इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपको ये जो तीनों ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो जाएंगी, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगी, और आपको ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। इट मींस इन तीनों ब्रांचों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सेम होगा। ये आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के वीडियो में देख चुके हैं, और मैंने आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते समय बताया भी था कि जब भी कोई सर्किट में पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कैसी रहती है, सेम होती है, और करंट की वैल्यू इसमें डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहां पर हमने देखा कि ये तीनों ब्रांचेस किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए इन तीनों ब्रांचेस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। अब यहां पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि यही वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस की होगा और यही वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस की होगा। तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू की बने आपको 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट ब्रांच इस ब्रांच, इसके अलावा नॉमन क्लेचर कर लीजिए, सी डी के अक्रॉस भी होगा और ई एफ के अक्रॉस भी, हमारा कितना वोल्टेज होगा, 100 वोल्ट होगा। अब हम ब्रांच सी डी में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और ब्रांच ई एफ में भी करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको करंट के लिए पता है आई
सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट वन। अब हम फर्स्ट ब्रांच में जब करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना होगा, और यहां पर आपको देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रांच, दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कैसे हैं, सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो आर इक्विवेलेंट वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आर वन है आपका 40 प्लस यहां पर आर टू की वैल्यू है 60, तो आर इक्विवेलेंट वन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। ये आपके आर इक्विवेलेंट वन की वैल्यू, ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये हमने पढ़ा। V की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 100 वोल्ट। तो ICD करंट अक्रॉस ब्रांच C एंड D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 एम्पीयर। इट मींस जो ये ब्रांच है CD, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पीयर इसमें करंट फ्लो होगा। अब हम ब्रांच EF में करंट की वैल्यू निकालते हैं। सो I EF is equals to value फिर से वही रहेगी V upon equivalent resistance R equivalent to, ये हमारे इसकी value है। R equivalent ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, दोनों series में है, तो R equivalent to की value 50 plus 50 is equals to 100 ohm, तो यहाँ पे भी R equivalent की value क्या आएगी, 100। V की value हमको पता है कितनी है, 100 है, so 100 upon 100 is equals to क्या आ जाएगा, 1 एम्पीयर। तो इन दोनों ही ब्रांचेस में, चाहे वो सीडी ब्रांच हो या ईएफ ब्रांच हो, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है, 1 एम्पीयर। अब हम इस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो ओपन टर्मिनल हमारा है, जहां से हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लूप कंसिडर कर लेंगे और ये मान के चलेंगे कि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, या फिर जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। तो इस पॉइंट पर कितना हमारा क्या आएगा, वोल्टेज की वैल्यू आएगी। और इस वोल्टेज को, क्योंकि ओपन टर्मिनल है, तो इसको हम या तो किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर। अब करंट कहां से फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट पर आ रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। अब हम इस की वैल्यू भी, एबी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस लूप को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखते हुए कि करंट जिस पॉइंट से एंटर करेगा, उस पॉइंट के साइन को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर पोलैरिटी कैसी दी हुई है, प्लस माइनस, और ये करंट कैसे एंटर हो रहा है, माइनस से एंटर हो रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस वी ए बी। अब यहां पे रेजिस्टेंस है आपका, इसमें आपको वोल्टेज की वैल्यू लिखनी होगी। आपने यहां से देखा है कि करंट कितना आ रहा है, आई करंट आपका फ्लो हो रहा था, आई वन, आई सी डी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 एम्पीयर। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम मानते हैं पॉजिटिव और इसको मानते हैं नेगेटिव, क्लियर। तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर, इट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 40 × 1, क्लियर। अब यहां पर आएंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 50 × 1। यहां पर भी आप देखेंगे तो ये नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 = 0। तो इस तरीके से आप इस लूप के लिए क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस बी ए बी माइनस 40 प्लस 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर बी ए बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 40
प्लस 50 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 50 सो इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो वी ए बी की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 8 वोल्ट। तो इस तरीके से आप ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं VTH। सो VTH इज इक्वल्स टू VAB या फिर इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज VOC इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करते हैं RTH की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी RTH की वैल्यू या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट हमको फाइंड आउट करना होता है तो इसमें जितने भी एक्टिव सोर्सेज हैं और जो कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, उनको हमको क्या करना रहता है, डीएक्टिवेट करना रहता है। और अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर वो करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे हम RTH की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसमें केवल क्या है, वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हमको उसको क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट करना होगा। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव करके क्या कर देंगे, यहां कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट और ये आपका वोल्टेज सोर्स यहां से रिमूव हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये भी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम शॉर्ट सर्किट। अब इस पूरे सर्किट में आपको केवल इंटरनल रेजिस्टेंस के ही टर्म्स दिखाई दे रहे हैं या रेजिस्टेंस के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ही आपको इस पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इसको हम बोलते हैं RTH। अब हम इसका डायग्राम जो है उसको रीड्रॉ करते हैं ताकि आप आसानी से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सी पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है ये एक वायर से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। इट मींस ये जो डी पॉइंट है ये अब किसकी तरह बिहेव करेगा, आपके सी पॉइंट की तरह ही बिहेव करेगा। और ये पूरा एक वायर से शॉर्ट सर्किट है तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, सी की तरह ही आपका बिहेव करेगा। तो अब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जल्दी दोनों सी पॉइंट्स हो गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपके किस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, अगर इसको आप रीड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा 40 ओम, उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा आपका 50 ओम का रेजिस्टेंस, ये ओपन टर्मिनल हो गया आपका और उधर ये वायर 50 ओम और 50 ओम। अगर आप इनको रीड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का सर्किट दिखाई देगा। और आपको इस ब्रांच के क्रॉस या पॉइंट ए और बी के क्रॉस क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो RTH की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना होगा। सो RTH इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा RTH इज इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 40 पैरेलल ऑफ 60 और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो 40 पैरेलल ऑफ 60 प्लस 50 पैरेलल ऑफ 50 इस तरीके से आप इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RTH फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 × 60/100 प्लस 50 × 50/100 और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 24 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 49, ये होगी आपकी RTH की वैल्यू। तो दोनों
वही वैल्यू हमको मिल गई, RTH हमको मिला 49 ओम और VTH की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी 8 वोल्ट। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहती है कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब उसकी वैल्यू उस सर्किट के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि RL इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, RTH। RTH की वैल्यू कितनी है 49, इट मींस RL की वैल्यू में क्या होगी 49 होगी, तभी हमारे सर्किट में मैक्सिमम पावर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो हम RL के लिए क्या लिख सकते हैं, RL इज इक्वल टू 49। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होता हमारा 49। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वैल्यू। तो हमको पावर की वैल्यू निकालनी होगी, और जब आप पावर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है P is equals to, हमने फॉर्मूला पढ़ा था P is equals to VTH whole square upon 4 RTH। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। तो VTH की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है 8, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर अपॉन 4 into RTH की वैल्यू है 49। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 upon 4 into 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 64 upon 196। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 64 upon 196। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 upon 49 watt। तो यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 16 upon 49 watt। ये हमारे मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में आसानी से मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थेवेनिन थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आप थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। जब आप VTH और RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो जितना भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए रिक्वायरमेंट है, लोड रेजिस्टेंस आपका किसके बराबर होना चाहिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, तो उसकी वैल्यू को पुट करकर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आसानी से पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपके जो भी डाउट होंगे इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।